हेलो गाइस, मेरा नाम है विशाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को नए साल की ढेर सारी मुबारकबादें। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सो गाइस, आप लोग ने मेरे पिछले वीडियो देखे नहीं रहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ। मैं अलीबाग गया था। मेरा अलीबाग का ट्रिप वाकई बहुत धमाकेदार ट्रिप हो गया था। तो आज नए साल की शुरुआत कर रहे हैं नए वीडियो के साथ। तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना। तो आज हम जा रहे हैं शिव के मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर जा रहे हैं, जो है अंबरनाथ में। अंबरनाथ में काफ़ी पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है। तो आज मैं भोलेनाथ का जो मंदिर है उसके बारे में पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। तो नए साल में नई उम्मीदों के साथ, नए सपनों के साथ आगे बढ़ो। पता है कि 2020 बहुत ही गलत गया, मतलब जो नहीं होना था वो सब कुछ होते रहा। तो गाइस आगे बढ़ो, अभी आगे भी लाइफ है तो उसके बारे में सोचो। तो चलो जाते हैं गाइस अंबरनाथ के प्राचीन मंदिर में। तो अब हम आए हैं शिव मंदिर के सामने। तो यहाँ पर है हार नारल यहाँ से लेने वाले, और शिव मंदिर है ये मेरे पीछे, शिव मंदिर है। तो गाइस चलो जाते हैं शिव मंदिर में। तो शिव मंदिर चालू है फिलहाल, तो अंदर जाने के बाद पता चलेगा कि कैमरा अलाउड है क्या नहीं। तो अभी हम जाते हैं शिव मंदिर में। हम लोग अभी जा रहे हैं शिव मंदिर के अंदर। तो यहाँ पर एक छोटी सी नदी है और उस नदी के बाजू में है मंदिर। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। तो मैंने सुना था कि यहाँ पर कैमरा कुछ अलाउड नहीं शूट करने लिए, तो सेफ्टी के लिए एक एक्शन कैमरा मैंने लगाया है। तो यहाँ से एंट्री है शिव मंदिर की, तो अंदर जाके देखते हैं। तो देख लो गाइस, ये है शिव मंदिर, प्राचीन मंदिर, 1060 पुराना ये मंदिर है। तो यहाँ का जो मंदिर का जो स्ट्रक्चर जो देख रहे, पूरा एक पत्थर से बना हुआ पूरा ये मंदिर है। मतलब आप फैमिली को लेके यहाँ पर आ सकते हो। मंदिर के आजू बाजू का प्लेस भी काफ़ी बड़ा है। ये मंदिर के बाहर का हिस्सा ये। तो अब हम जा रहे हैं बाहर। मंदिर के ऊपर जो कलाकृति का काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन काम है। गणेश जी का मूर्ति है और अंदर है शिवलिंग। तो देख लो गाइस, ये अंदर वाला शिवलिंग है। तो आपको मंदिर दिखा देता हूँ। प्लीज वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। तो आप देख रहे हो मेरे पीछे बाजू है प्राचीन मंदिर। तो यहाँ पर फोटो अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर सिक्योरिटी चिल्लाते, आके जो सिक्योरिटी गार्ड आके चिल्लाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर फ़ोटो अलाउड नहीं है और कैमरा आप मंदिर के अंदर लेके जा नहीं सकते। तभी भी मैंने कुछ छोटे क्लिप्स आपके लिए निकाले, तो ज़रूर वीडियो देखना गाइस। और यहाँ पर काफ़ी स्पेस है फैमिली को, फैमिली को लेके आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। और काफ़ी अच्छा लोकेशन है अंबरनाथ में। स्टेशन से 10 मिनट के दूरी पर ही अंबरनाथ मंदिर है। और यहाँ का जो स्ट्रक्चर है पूरे, मतलब एक पत्थर में पूरा ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर के तीन द्वारे, लोग कहते हैं कि चित्तर राजा के बेटे ने ये मंदिर बनाया है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 5 पांडवों ने एक रात में मंदिर बनाया है। पर मंदिर काफ़ी खूबसूरत मंदिर है। तो आप अब हम जा रहे हैं घर पर। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और अंबरनाथ जो मंदिर है यहाँ पर एक बार ज़रूर विजिट करना, बहुत अच्छा मंदिर है। तो जाते हैं अब हम घर पर। तो नए साल का ये मेरा पहला वीडियो था,
तो मैंने भोलेनाथ जी से दुआ की है कि जो वीडियो देख रहे बस उनकी ये साल में उनको भरपूर खुशी दे, उनको हैप्पी रखे। और वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करना, और इस YouTube चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही कुछ वीडियो में लाते रहूँगा, तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।